चाणक्य भारतीय राजनीति के बन के उभरे हैं अमित शाह, इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा। मध्यप्रदेश में मैं हमेशा कहता रहा इस सरकार को कि देखिए आप कह रहे हैं 83 वचन निभा दिए, वादे पूरे कर दिए, इन वादे पूरे नहीं हुए। ये गदगद थे कर्ज माफी हमने कर दी 21 लाख किसानों की, लेकिन मैंने तब भी कहा और मैं फिर कहना चाहूंगा इस सरकार से कि कल्पना लोक में विचरण मत कीजिए। आपने वचन दिया था सब किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, आपने आदेश निकाला हम अल्पकालीन फसली ऋण माफ करेंगे, अब सब किसानों से अल्पकालीन फसली ऋण पे आ गए। फसली ऋण पे भी आपने मध्यकालीन दीर्घकालीन छोड़ ही दिया, बाकी किसान तो बाहर हो ही गए। अब वो कैसे संतुष्ट होंगे कोई बताए, और बाकी के लिए भी आपने धन का इंतजाम ही नहीं किया। मैं बार बार कहता रहा, मेरी चेतावनी पर कान नहीं दिया गया। मैं कहता था तो केवल राजनीतिक बात मानी जाती थी कि केवल 1300 करोड़ रुपया बैंकों को देके आप कर्जा माफ नहीं कर सकते, लेकिन वो मेरे भाई का पर्चा दिखाते रहे कि नहीं भाई का कर दिया, भाई का कर दिया। और मैं तब भी कहता था कि अगर ऐसे चक्कर में रहे आप बल्लभ भवन के वातानुकूलित कमरे में तो कब पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी पता नहीं चलेगा। और परिणाम ये बताते हैं कि छिंदवाड़ा में थोड़ी मेहनत और हो जाती तो 28-1 नहीं 29-0 होता। छिंदवाड़ा की विजय कोई विजय नहीं कही जा सकती। इसका अर्थ था कि जो किया आपने उससे ना तो किसान संतुष्ट था ना नौजवान संतुष्ट था। कमलनाथ जी आपने संबल जैसी योजना बंद कर दी, आपने किसानों को बाकी लाभ देते थे वो बंद कर दिए, बच्चों की फीस बंद कर दी आपने कई जगह, माताओं बहनों की योजनाएं बंद कर दी, इसलिए जनता यहां गुस्से में भी थी। मैं जहां जाता था मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, मुझे तो कहते थे मामा मैं ब्याज के चुका देंगे लोकसभा में, और जो जीत हासिल हुई है अब आप बताइए होशंगाबाद 6 लाख के आसपास जा रहा है, विदिशा 5 लाख पार, इंदौर 5.5 लाख पार, और बाकी भी 16-17 उम्मीदवार 3 लाख से ऊपर जीते। तो ये मोदी लहर तो है ही, मोदी सुनामी तो है ही, लेकिन ये गुस्सा भी है, इसको समझना चाहिए। 4 महीने में 5 महीने में जो किया है और लोगों को लगा कि चूक हो गई विधानसभा में, तो गुस्से में भी लोगों ने वोट दिया है। मध्य प्रदेश में पोलिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा बढ़ा, आपने अगर आकलन किया हो विश्लेषण किया हो तो 2014 के मुकाबले 61% के आसपास था, बढ़ के 71 के आसपास हो गया। तो यह असाधारण वृद्धि थी, बाकी राज्यों में इतना नहीं बढ़ा, छत्तीसगढ़ राजस्थान में 2.5% 3% के आसपास बढ़ा। तो ये भी लोगों के संकल्प को बता रहा था कि नहीं छोड़ेंगे नहीं देखेंगे, और उसी आधार पर मैं दावे कर रहा था कि शानदार सफलता मिलेगी। जनता को मैं प्रणाम करता हूँ जिसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, NDA को मिला, मोदी जी को मिला। कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ जिनने भयानक गर्मी में जी तोड़ परिश्रम किया, और मोदी जी और अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूँ।